हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। उनका मैसेज क्या है आपके लिए? अंडरस्टैंडिंग। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप पॉजिटिव रहे, और ये आपको मैसेज करना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप उसका रिस्पॉन्स करें, ठीक है, इनका मैसेज का। अगर ये करते हैं तो आप इनसे बातचीत करें। अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं, आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, या आपकी लाइफ में आते हैं, तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करें, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं आपसे लव करते हैं और आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आप दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जो कुछ भी इनका सिचुएशन है, आप दोनों के जो सिचुएशन है, आप समझें इनको, इनको समझें, इनकी सिचुएशन को समझें, इनके प्यार को समझें, ठीक है। ये आपको भूले नहीं हैं, आपको हमेशा देखते हैं, देख रहे हैं, और बहुत ही जल्दी आपको मैसेज या कॉल करने वाले हैं। ये आपसे लव करते हैं मोमेंट टू मोमेंट। ये आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं डिले कर रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, मुझे पता है कि मैं करा रहा हूँ, ये करा रही हूँ, पर डोंट वरी, सब कुछ सही होगा हमारे बीच, ठीक है। मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो हूँ अपने रिश्ते के प्रति, हमारे लव लाइफ के प्रति मैं अवेयर नहीं था, उसके लिए आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे गिल्ट होता है उस चीज़ का, जो हम नो कांटेक्ट में हैं, जो हम कांटेक्ट में नहीं हैं, जो आज तुम मुझसे दूर हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुँचाता है, मैं गिल्ट में हूँ। मैं चाहता हूँ तुमसे बात करना, मैं देखता हूँ, जब मैं तुम्हें देखता हूँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है, मुझे गिल्ट होता है कि मैं क्यों आज तुम्हारी लाइफ में नहीं हूँ, क्यों। मैं तुम्हें चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं पुराने दिनों को भूल नहीं पा रहा हूँ, मैंने तुम्हें भुलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की है, बट मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ या नहीं भूल पा रही हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद आती है, मुझे ऐसा लगता है कि हम अलग नहीं हैं, हाँ हम फिज़िकल रूप से भले ही आज अलग हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम अलग है ही नहीं, तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूँ, मुझे ऐसा लगता है हम दोनों एक हैं। तुम क्यों नहीं समझती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ कंप्लीशन ही चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहिए, मैंने भी तुम्हारे साथ फ्यूचर देखा है, हाँ हो गई गलती मुझसे, मैंने किसी और चीज़ को चूज़ किया, मैंने तुम्हें हर्ट पहुँचाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया, उस चीज़ का मुझे अफसोस है, मुझे हर्ट है उस चीज़ का, बट मैं भी तुम्हारे साथ कंप्लीशन ही चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं है, तुम मेरी लाइफ के वो इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, जिसके बिना मेरा लाइफ अधूरा है, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ सक्सेस चाहता हूँ, पर तुम्हें भरोसा नहीं है, मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट पहुँचाया है, जिस तरह से मैंने तुम्हें हर्ट पहुँचाया है, पेन दिया है, अब तुम्हारा भरोसा मैंने खो दिया है, वो तुम्हारा भरोसा मैं वापस से चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं किस सिचुएशन में हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरे सिचुएशन में हूँ, मैंने बहुत कुछ फेस किया है तुम्हारे जाने के बाद, मेरी लाइफ में बहुत ही सारा प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बीच बहुत कुछ है जो मुझे कंट्रोल करता है, तुम क्यों नहीं समझती हो मुझे, मेरा प्यार, मैं भी तुम्हारे साथ सक्सेस ही चाहता हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, क्यों तुमने मुझे नहीं समझा, मेरे प्यार को नहीं समझा, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा समझता था, क्यों तुमने मुझे नहीं समझा, क्यों नहीं समझ रहे हो। हाँ मैंने तुम्हें हर्ट पहुँचाया है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुँचाया है, बट मैं भी तुम्हारे साथ सक्सेस ही चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलिए देखते हैं इनका अगला कदम क्या होगा। गाइस, ये पर्सन
एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशेस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। क्या होगा इनका अगला कदम आपके लिए? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, यहाँ पर आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए जो लोग आप दोनों के बीच है, चाहे फैमिली हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, या कास्ट रिलेशन हो, आप दोनों के बीच कंपटीशन तो है, आपके रिलेशनशिप में कंपटीशन तो है, ठीक है। कंपटीशन यानी कि इनको यस एक्शन लेने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ, करेज के साथ इनको एक्शन लेने की ज़रूरत है, स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है पता है? इनको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी ओर आते हैं तो बहुत सारे लोग निराश हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों का दिल इनको तोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ कर इस पर्सन को आपकी ओर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर्सन को क्या एनर्जी रहता है पता है? इसकी एनर्जी, इनका एनर्जी भी पास्ट में क्या था, बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ने की बजाय मैं किसी एक ही पर्सन का दिल तोड़ दूँ, इस वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरियाँ क्रिएट कर ली, या फैमिली की बातों में आकर किसी और से मैरिज कर ली, और अगर इस पर्सन ने किसी और को चूज किया है, ठीक है, वैसे मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे हैं ऐसा, बट बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने आपकी जगह किसी और को चूज कर लिया, या तो आपके रहते किसी और को अपनी लाइफ में ला लिया। तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, ठीक है। ये पर्सन वापस से आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, बट आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो कि आप बिल्कुल भी इस पर्सन को मुड़कर नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इसको पाना, आप इनको रिजेक्ट करोगे, इनका एनर्जी है। और अगर इनके लाइफ में कोई और नहीं है, आप दोनों के बीच कोई और तीसरा पर्सन नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हिम्मत के साथ, करेज के साथ आपके लाइफ में आएंगे, ये एक्शन लेंगे, ठीक है। जहाँ पर ये कन्फ्यूज थे, सच्चाई नहीं देख पा रहे थे, कन्फ्यूज़न में थे, कोई और इनको भड़का रहा था, ठीक है, आप में पट्टी बंधी हुई थी, तो ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। आप दोनों का लव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये पर्सन फील करते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो टूट नहीं सकता आसानी से, आपको मना लेंगे, ये फैमिली को मना लेंगे, ये इनका एनर्जी है। और देखते हैं क्या होगा इनका अगला कदम आपके लिए। इनको डर तो है, फियर है, इनसिक्योरिटी है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट करोगे, अपनी लाइफ में आने नहीं दोगे, बट ये पर्सन एक्शन लेंगे, ये पर्सन स्टैंड लेंगे, आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन अपने थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपसे बातचीत करेंगे, या तो मिलना चाहेंगे, ठीक है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन किसी और का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स, या तो इनके फ्रेंड्स, या तो उनके जरिए आपसे बातचीत करेंगे। मुझे ना ये भी लग रहा है कि इस पर्सन में वो हिम्मत नहीं है कि आपको फेस कर सके, आपके सामने आ सके, जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको हर पहुंचाया है, बट ये पर्सन हिम्मत के साथ आपके सामने आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। सो ये है आपकी रीडिंग, लाइक, सब्सक्राइब या शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लव यू ऑल।